डर का दूसरा रूप होता है। डर के बिना नफरत नहीं हो सकती। जिसको लोग नफरत कहते हैं वो सचमुच में डर होती है। ये आप में उनमें फर्क है, ये नरेंद्र मोदी जी में मुझ में फर्क है। मुझ में और आप में नफरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर डर नहीं है। वो अपना डर दिखा नहीं सकते हैं और डर को छुपाने के लिए वो नफरत दिखाते हैं। और ये सब आरएसएस के लोगों की बात है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और ये रास्ता गांधी जी ने दिखाया था। गांधी जी के सामने दुनिया का सुपर पावर खड़ा है, कोई आवाज है, हवाई जहाज नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई धन नहीं। ठीक है, चश्मे की जरूरत थी तो चश्मा पहनते थे, छोटी सी घड़ी थी, अंग्रेजों के सामने खड़े होकर अंग्रेजों को हरा दिया। यह है कांग्रेस पार्टी, यह है सेवा दल। और उसी समय अभी मुझे बताया गया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अंग्रेजों ने सेवा दल को बैन किया। कौन से साल बैन किया, किस साल बैन किया? 1927 में अंग्रेजों ने सेवा दल को बैन किया। कहा कि हिंदुस्तान में संगठन नहीं हो सकता है, इसको खत्म करो। जैसे मोदी जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, वैसे अंग्रेजों ने कहा सेवा दल मुक्त भारत। आरएसएस को बैन नहीं किया अंग्रेजों ने, मगर सेवा दल को बैन किया। और गांधी जी सालों जेल में रहे और हमारे नेताओं की लिस्ट निकालो, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अंबेडकर, आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पटेल जी, सबकी लिस्ट निकालो, उनके सामने लिखा है 15 साल जेल, 10 साल जेल। किसी ने माफी नहीं मांगी अंग्रेजों से। इनमें से एक व्यक्ति ने अंग्रेजों के सामने ऐसे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगी। सावरकर जी ने एक के बाद एक 9 बार अंग्रेजों से माफी मांगी, क्योंकि डर था उनमें। उस डर को गांधी जी ने मिटाया। सावरकर जी डर को नहीं मिटा पाए, इसलिए नफरत बाहर निकली। गांधी जी ने डर को मिटाया, प्यार बाहर निकला। तो आपको यही करना है, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम हराएंगे इनको 2019 में, हराएंगे, मिटाएंगे नहीं, हम मिटाएंगे नहीं, हम इनको खत्म नहीं करेंगे, इनका कत्ल नहीं करेंगे, इनको मारेंगे नहीं, मगर हराएंगे और प्यार से हराएंगे। तो आप सबका मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं देश में कोने कोने में आपकी सफेद टोपी, आपकी वर्दी देखना चाहता हूं। जहां आंधी हो, तूफान हो, हिंसा हो, नफरत हो, वहां मैं सेवा दल को देखना चाहता हूं और आपके प्यार को वहां देखना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।